हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूँ मोहसिना खान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू कर दिया है हमारी जो हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे दूसरी यूनिट, और दूसरी यूनिट में मैंने आपको शुरू किया है जो हमारा विटामिन था। वो मैंने आपको बताया था कल कि विटामिन क्या है आपका, विटामिन के कितने प्रकार हैं हमारे, और विटामिन हमें क्या मतलब किस काम के लिए हमारे आवश्यक होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था विटामिन के, कल हमने प्रकार बताए थे और उसमें बताया था आपका दो तरीके से आपके विटामिन थे हमारे। एक थे हमारे जो फैट सॉल्यूबल थे यानी कि वसा में घुलने वाले, और एक थे हमारे जो जल में घुलने वाले की यानी कि वाटर सॉल्यूबल। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा वाटर सॉल्यूबल जो हमारे विटामिन हैं उनके बारे में। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फैट में जो घुलनशील विटामिन हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो हम शुरू करेंगे जो हमारा विटामिन था, विटामिन चल रहा है हमारा विटामिन। और इसमें हम पढ़ेंगे, हमने आपको बताए थे दो तरीके से होते हैं। एक होता है जो फैट सॉल्यूबल हमारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जो है स्टोर हो जाते हैं और उन स्टोर करते हैं जो हमारे वसायुक्त जो आपके टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उन्हें एडिपोज कहते हैं हमारे, वो उन टिश्यू मतलब उन विटामिन को हमारा संग्रह कर लेते हैं और ये हमारे बॉडी में संग्रह हो जाते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में संग्रह नहीं होते हैं और वो वाटर के साथ हमारी यानी कि यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम वही पढ़ेंगे, हमारे विटामिन में हम पढ़ेंगे हमारे जो दूसरा आपका जो प्रकार था यानी कि कल हम लोग ने पढ़ लिया था, दूसरा है हमारा जो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन आपके तो हमने आपको बताया था जो वाटर में थे वो आपके कौन से थे, हमारे ए डी ई के, और जो हमारे जल में घुलनशील हैं यानी कि जो वाटर सॉल्यूबल हैं हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन आपके, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो वाटर सॉल्यूबल मैंने आपको बताया था हमारे दो तरीके से हैं आपका, एक बी विटामिन हमारा और एक हमारा सी विटामिन। लेकिन हमने आपको बताया था बी जो हमारा था वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है आपका, और इसमें हमने आपको बताए थे आपके कौन कौन से थे, हमारे बी वन था आपका, विटामिन बी टू था हमारा, विटामिन बी थ्री था हमारा, और जो फोर था मैंने आपको बताए थे कौन कौन से नहीं थे, बी फोर आपका, बी एट हमारा, बी टेन हमारा और बी इलेवन था हमारा। तो यानी कि बी वन बी टू बी थ्री आपका, बी फोर नहीं है तो यहाँ पे हमारा बी फाइव होगा, फिर हम बात करेंगे बी सिक्स होगा हमारा, और फिर हम पढ़ेंगे बी आपका सेवन होगा, बी एट नहीं है हमारा तो बी नाइन आ जाएगा सीधा, और बी नाइन के बाद हमने बताया था आपको ना ही हमारा दस है ना ही हमारा ग्यारह है, तो यानी कि इसके बाद हमारे हो जाएंगे बी बारह। तो यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट और आपके जो एक नौ, और नौ जो चार हमारे थे वो हमारे ऐसे हमारे टोटल कितने हैं हमारे विटामिन, तेरह विटामिन हैं हमारे जिनमें हम लोगों ने फैट सॉल्यूबल जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारा विटामिन बी वन है हमारा, उसका रासायनिक नाम क्या है आपका, वो उसका सोर्स क्या होता है हमारा, उसकी कमी से कौन से हमारे रोग होंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा जो जल में घुलनशील विटामिन में हमारा जो बी वन है हमारा, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन बी वन है हमारा, बी वन, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो मैं बता दूं आपको क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा थायमीन, थायमीन या थियामीन भी बोलते हैं इसे हम लोग, थायमीन हमारा। अब हम इसकी बात करेंगे जो हमारा इसका जो सोर्स है, लेकिन बी वन को जो है सबसे पहले जो इसका नाम जो है हमारा वो प्रतिपादित किया था जो हमारे फंक या हम लोग फंक जिसे कहते हैं फंक वैज्ञानिक ने, इसका नाम आपका दिया था फंक वैज्ञानिक ने बी वन को प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था आपका
और इसका मैंने रासायनिक नाम आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे और इससे जो एक हमारे वैज्ञानिक थे जेनसन थे हमारे जेनसन आपके ओह सॉरी जेनसन आपके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसे क्रिस्टल फॉर्म में देखा था, यानी कि आपका क्रिस्टलीकरण किया था, इसका क्रिस्टल फॉर्म में देखा था, रूप में देखा था। आप लोग लिखते चले मेरे साथ। देखा था जो था हमारा 1949। अब हम इसकी बात करेंगे जो हमारा ये किसमें हमारा यूज़ होता है, तो मैं बता दूं आपका, तो ये जो हमारा है ये पाचन और जो हमारे भूख, यह पाचन एवं भूख, जो आपका पाचन एवं भूख को सामान रखने में सहायक होता है, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है और जो हमारी भूख है उसको क्या करता है, आपका सामान नॉर्मल रखता है, आपका सामान रखने में सहायक होता है, सहायक होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा सोर्स है इसका वो क्या है आपको, तो मैं बता दूं आपका सोर्स यानी स्रोत, हमारा सोर्स की बात करें हम अगर, तो आपको ये किस किस में मिलेगा अगर आपकी विटामिन की कमी है हमारा, तो ये हमारा होगा चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन, चावल, गेहूं, सेम, सोयाबीन आपकी, सोयाबीन आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया हमारा। और हम बात करेंगे हमारा यकृत यानी कि लिवर ऑयल आपका, लिवर ऑयल, यकृत का तेल आपका, और दूध, और आपका दूध आदि। तो ये होगी इसके सोर्स की बात। अब हम बात करेंगे जो आपको पता है इससे रोग क्या क्या हो जाते हैं हम लोग वो जानेंगे, तो मैं इसे अब हटा दूंगी। रोग जो है हमारा आपको पता है विटामिन B1 से आपका कौन सा रोग हो जाता है, मेन आपने जो सुना होगा वो होता है हमारा बेरीबेरी रोग, बेरीबेरी रोग आपका। और भी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि आपका भूख ना लगना, आपका भूख ना लगना, जैसे हमने अभी नीचे लिखा है कि ये आपका किसमें, भूख और पाचन में सहायक होता है, तो अगर विटामिन B1 की कमी है तो आपका क्या होगा, भूख ना लगना आपका, और सिर तथा पैरों में आपका पैरालिसिस भी हो सकता है, सिर तथा पैरों में पैरालिसिस भी हो सकती है, हो सकता है। ये हमारा विटामिन B1 जो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन B2 है उसके बारे में, उसका रासायनिक नाम जानेंगे हम और उसका सोर्स वगैरह, तो अब हम हटा देंगे इसे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा कौन सा होगा, विटामिन B2, विटामिन B2, इसका जो नाम होता है राइबोफ्लेविन आपका, राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम आपका क्या है, राइबोफ्लेविन, यानी कि राइबोफ्लेविन। अब हम बात करेंगे कि ये क्या है आपका, इसमें सोर्स कौन कौन से हमारे, तो मैं आपको बता दूं ये क्या करता है आपका, ये जो होता है हमारा ये कुछ एंजाइमों का जो होता है, यह है कुछ एंजाइमों का सह एंजाइम होता है, कुछ एंजाइमों का सह यानी कि को एंजाइम होता है आपका, सह एंजाइम, को एंजाइम जिसे कहते हैं हम, को एंजाइम आपके वो एंजाइम होते हैं जो एंजाइम को कार्य करने में मदद करते हैं, इसलिए आपको इसे हम कुछ एंजाइमों का जो है को एंजाइम भी कहते हैं हमारा, कहते हैं।
और मैं अब आपको इसका सोर्स बता दूं, हमारा आपका स्रोत है, हमारा या सोर्स है आपका सोर्स। कुछ चीज़ें जो हैं आपकी कॉमन है विटामिन में, कि मतलब उस जो हमारा जो भी भोजन तत्व है हमारा, उसमें से मोस्टली हमारे कुछ विटामिन मिलेंगे, जैसे आपका अंडा, मांस, दूध, मछली, यकृत का तेल आपका, ये सब फिश ऑयल हमारा, ये सब कॉमन है इसमें। तो मैं बता दूं आपका, जैसे कि हमारा दूध यानी कि मिल्क आपका, लिवर ऑयल आपकी, और मैं बता दूं आपका जैसे कि एग हो गई आपकी, घी हो गया हमारा, और घी हो गया, और हम बता दें जैसे वेजिटेबल्स और आपकी पल्सेस, दालें, ये सब क्या है इसका, ये सब आपका क्या होता है, सोर्स होता है हमारा विटामिन B2 का। अब हम इसका बात कर लेंगे, जो हमारा रोग है इससे वो कौन सा रोग हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, रोग जो है हमारा उससे B2 से, तो वो क्या होता है हमारा, जीभ और कॉर्निया जो होती है हमारी, उसमें सूजन आ जाती है आपकी जीभ, और जो कॉर्निया होता है हमारा आँख का भाग, कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाती है आपकी, सूजन आ जाती है। और इससे क्या है, होंठ भी फटने लगते हैं आपके, इस विटामिन की कमी से होंठ भी फटने लगते हैं। तो ये हमारा यानी B2 की बात। अब हम बात करेंगे जो हमारा B3 है, इसे आप जल्दी से लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमारा जो B3 है, वो B3 मैंने आपको बताया था विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। अब हम पढ़ेंगे विटामिन जो हमारा B3 है, वो विटामिन B3, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका निकोटिनिक एसिड, और इसे ही हम नियासिन भी बोलते हैं, नाइसिन भी बोलते हैं, नियासिन ये आपका निकोटिनिक एसिड है एसिड। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये आपका किस तरीके से है या किस में हेल्प करता है हमारा, तो ये हमारा विटामिन B3 जो हमारा होगा, निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन हम बात करेंगे, ये क्या होता है आपका, आपको पता है आपका जो विटामिन B3 है उसे कौन सा रोग हो जाता है, पेलिग्रा, तो ये एंटी पेलिग्रा होता है हमारा, तो ये जो क्या होता है हमारा, ये एंटी पेलिग्रा का कारक भी कहलाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे तो क्या होता है हमारा, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होता है उसके ऑक्सीडेशन में भी आपका सहायक होता है हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ाए हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट, आप वीडियो देख सकते हैं जाके, प्रोटीन तथा फैट के ऑक्सीडेशन में भी सहायक होता है, यानी कि ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है, ऑक्सीडेशन में भी सहायक होता है, होता है। अब मैं आप बात करूंगी हमारा जो इसके सोर्स हैं हमारे, वो तो जैसे कि सोर्स में बता दूं आपके कौन से होंगे, जैसे कि आपका मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें आपकी कॉमन है इसमें, अनाज हो गया आपका, लिवर ऑयल आपको पता है ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें मोस्टली जो विटामिन होते हैं आपके पाए जा रहे हैं, लिवर ऑयल हो गया आपका, मक्का हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया आपका, आपका मेज़, आपका मिल्क और आपकी फल, आपके एग हो गया, मीट हो गया आपकी, एग, मीट आदि।
ये तो मैंने कहा इसके सोर्स की बात, अब हम बात करेंगे इसके जो कमी है उससे। मैंने आपको बताया है अभी कौन सा रोग बताया था, रोग जो है आपका पेलिग्रह है हमारा, यानी कि आपका डिसीज़ की बात करेंगे हम तो होगा हमारा रोग। तो ये से इसकी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जो हमारा पेलिग्रह होता है वो पेलिग्रह। पेलिग्रह रोग हो जाता है। और आपकी त्वचा से संबंधित भी आपका रोग होता है वो हो जाता है डर्मेटाइटिस, जैसे उत्पन्न हो जाता है डर्मेटाइटिस रोग भी हो जाता है आपका, रोग भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा विटामिन B3 था, अब हम बात कर लेंगे जो हमारा विटामिन, मैंने आपको क्या बताया विटामिन B4 नहीं है, अब हम सीधा आ जाएंगे विटामिन B5 पे, इसे हटा देती हूँ मैं। विटामिन B5 विटामिन B5 आपका, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। ये आपका रासायनिक नाम हो गया आपका। अब हम बात करेंगे इससे क्या है आपका, आपके रोग जो हैं सबसे शुरुआत में ही आपका रोग बता दिए जाएंगे आपका रोग। तो इससे क्या होता है, हमारा जो है तनाव है आपका, स्ट्रेस है, यानी कि आपका गठिया है, और विभिन्न प्रकार के कुछ हमारे त्वचा रोग भी होते हैं, बालों का सफ़ेद होना तनाव हो गया आपका, और आपका बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना बालों का सफ़ेद होना और है हमारा बालों का सफ़ेद होना आपका, और त्वचा रोग भी होते हैं कुछ हमारे त्वचा रोग आदि, त्वचा रोग भी होते हैं हमारे। और कुछ क्या होता है, हमारा जो पेंटाथोनिक आपका एंजाइम होता है, सॉरी आपका जो विटामिन होता है वो होता है हमारा, या विभिन्न प्रकार के संक्रमण से भी हमें बताता है, बचाता है विभिन्न प्रकार के संक्रमण से भी आपको बचाता है, पेंटाथोनिक से भी बचाता है, बचाता है। तो ये तो होगी इसके रोग की बात, अब हम बात करेंगे जो हमारा इसका सोर्स है वो क्या है, हमारा सोर्स यानी कि आपका स्रोत, हमारा सोर्स। एक और इम्पॉर्टेंट काम भी होता है पेंटाथोनिक का, जो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी आपका मेंटेन करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका कौन, विटामिन बी करता है। अब हम इसके सोर्स की बात कर लेंगे तो मैं बता दूं आपका, जैसे कि हमारा है एग है हमारे मिल्क, और आपका मिल्क है हमारे, एग है हमारा, और लिवर मैंने आपको बताया लिवर है हमारा, लिवर है आपके, टोमेटो हैं आदि। तो ये हमने बात की जो हमारा विटामिन B5 है वो, अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन B6 है वो। कुछ आपके विटामिन दिए गए हैं लेकिन मोस्टली जो आपके विटामिन हैं आपका B1, B2, आपका B3 हो गया हमारा, B9 हो गया हमारा, B12 हो गया हमारा, ये सब मोस्टली आपके ज़्यादा दिए गए हैं, तो हम तब भी इनको भी पढ़ेंगे आराम से, अब हम बताएंगे आपको B6 जो है हमारा वो। अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन B6 है वो, जिसका नाम होता है हमारा, केमिकल नेम भी हम उससे जानेंगे, B6 जिसका नाम होता है हमारा पाइरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है आपका पाइरिडॉक्सिन,
ये है आपका क्या है, विटामिन B6। इसकी हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पाइरिडॉक्सिन होता है, हमारे जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में आपका उपापचय में सहायक होता है, मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है आपका, सहायक होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे तो वो हमारा होगा, ये क्या करता है, मैंने आपको बताया यह भी आपका क्या होता है, यह भी कोएंजाइम होता है आपका, कोएंजाइम के रूप में काम करता है, रूप में काम करता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा रोग है पाइरिडॉक्सिन से, वो क्या है आपका, और सबसे पहले हम इसका सोर्स जान लेंगे, हमारा ये क्या होगा, आपको पता है आपका अंडा हो गया, हमारा मांस, लिवर, आपका दूध हो गया, मिल्क, लिवर, आपका मिल्क लिवर हमारा, और है हमारा मिल्क लिवर आपका, और अनाज हो गए आपके, मीट हो गया, फिश हो गई, मीट, फिश, अनाज, ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं आदि। ये हमारा विटामिन B6। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है, वो है हमारा बी, हमने आपको बताया है B7 है हमारा, B8 नहीं है। अब हम बात करेंगे जो हमारा B7 है, वो B7 जिसे हम कहते हैं हमारा B7, इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा बायोटिन। केमिकल नेम जो है आपका वो क्या होता है हमारा, बायोटिन। अब हम इसके बारे में जानेंगे कुछ हमारे जो पॉइंट हैं वो क्या होता है हमारा, ये हमारे जो फैट है, जो हमारी अमीनो एसिड होती है, उसका क्या करता है, उसका सिंथेसिस में सहायक होता है। फैट और जो हमारा प्रोटीन होती है हमारी, फैट और जो हमारा अमीनो एसिड जो है हमारा, अमीनो एसिड के संश्लेषण में, आपके सिंथेसिस में, संश्लेषण में सह एंजाइम होते हैं आपके, यानी कि को एंजाइम होते हैं, सह एंजाइम, जिसे हमने क्या लिखा है, को एंजाइम होते हैं आपके, होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जैसे क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया ये सह एंजाइम होंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा सोर्स है आपका, वो स्रोत है हमारा, वो आपको पता है दूध हो गया, मांस, लिवर आपका, ये सब, मांस हो गया आपका, अंडा हो गया, मीट आपका, एग, फिश, और एक चीज़ और है आपका जो बहुत पूछा जाता है कि चॉकलेट आपका जो होता है, चॉकलेट में आपका जो होता है कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन B7 होता है आपका चॉकलेट में हमारा, मीट, एग, फिश, चॉकलेट हमारी, और हमारा टमाटो हो गया आपका, मूंगफली हो गई आपकी, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, मूंगफली आपके नट्स, और आपके नट्स हो गए आपके, फ्रूट्स हो गए हमारे, फ्रूट हमारी, मीट, एग, फिश, चॉकलेट, नट्स हमारे, और वेजिटेबल्स, ईस्ट वगैरह इसमें भी आपका, वेजिटेबल्स, ईस्ट आपकी, ये सब क्या हैं आपके, जो B7 है उसके सोर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो विटामिन रहेगा वो, लेकिन इससे आपका जो एक रोग होता है बता दूँ आपका, रोग जो है आपका बालों का झड़ना है आपका, जैसे बालों का झड़ना हो गया आपका, चर्म रोग, आपके जो स्किन से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो हमारा बालों का झड़ना, बालों का झड़ना आपका, और आपका जो चर्म रोग होते हैं, यानी कि चर्म रोग,
क्या होता है, विटामिन जो B7 होता है उसकी कमी से आपके ये रोग होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है वो है हमारा, हमने आपको क्या बताया, B8 नहीं है। अब हम डायरेक्ट कौन सा शुरू करेंगे, जो हमारा विटामिन B9 है वो इम्पॉर्टेंट रहता है B9। अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन B9 है वो B9, इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा जो फॉलिक एसिड होता है वो फॉलिक अम्ल यानी कि नाम से आपको समझ में आ रहा है फॉलिक एसिड जब हम पढ़ेंगे अभी तो मैं आपको बताऊंगी फॉलिक एसिड। तो इसको मैं बता दूं कि जैसे इसमें कुछ पॉइंट क्या है हमारा, ये जो क्या होता है हमारा, यह जो है आपकी जो RBCs होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्स उसके निर्माण में सहायक होता है, के निर्माण में सहायक होता है आपका, सहायक होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्या है हमारा, जो हमारा तंत्र का मतलब जो हमारा तंत्र का है यानी कि नर्व्स जो है हमारी उनको क्या करता है, उनके आपके कार्य में भी सहायक होता है, तंत्रिका के आपके फंक्शन में भी सहायक होता है, फंक्शन में हेल्पफुल रहता है आपका रहता है। अब हम बात करेंगे इसके जो सोर्स हैं वो हमारे सोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा हो गया आपका, मैंने बताया है लिवर है आपकी, ईस्ट है आपका, बनाना है आपका, लिवर, मिल्क, ईस्ट और आपका बनाना, आपके वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए आपके। और कुछ होते हैं हमारे जैसे कि फूल गोभी हो गया हमारा, मीट हो गया हमारा, फूल गोभी आपका, कॉलीफ्लावर और जो है हमारा ईस्ट मैंने लिख दिया, कॉलीफ्लावर होगी और हमारा जो मीट होता है वो, तो ये तो हमने बात की जो हमारा विटामिन B9 था वो, और उसका मैंने आपको नाम भी बताया जो हमारा फॉलिक एसिड है उसका नाम, और हमने अभी हमारा B9 तक पहुंच गया है। अब हम बात करेंगे जो हमारे हमने आपको बताया है कि आपका जो B10 और जो B11 है वो नहीं होगा। अब हम सीधा बात करेंगे जो हमारा B12 है वो, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे हमारा नेक्स्ट जो है इसकी कमी से मैं आपको रोग बता दूं, पहले यहाँ से हटा देती हूँ, डिसीज़ जो है आपकी इम्पॉर्टेंट रहती है, डिसीज़ यानी कि आपका रोग। इससे क्या होता है, जब आपको मैंने बताया है ये आपके RBCs में निर्माण में सहायक होता है तो आपको पता होगा इसकी कमी से क्या होगा, आपकी RBC पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है आपका मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, आपको पता है एनीमिया लिखा है, एनीमिया मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि आपका ये ब्लड से ही रिलेटेड आपकी डिसीज़ है वो हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, मैक्रोसाइटिक आपकी एनीमिया, ये आपका इससे रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा विटामिन B12। एनीमिया भी आपके अलग अलग तरीके से होती है, आपकी मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सिर्फ सिंपल एनीमिया आपकी, वो हम जब हमारे जो हमारे ब्लड हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो हमारी बीमारियां होंगी, अधिकता है, कमी है, या फिर उसमें जो आपके अलग अलग ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसके आधार पर आपकी ये बीमारी भी हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे उन्हें। अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन B12 है वो B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबाल्बिन, आपका साइनोकोबाल्बिन आपका
ये है हमारा साइनोकोबायलिन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ, जो हमारा होता है इसमें बारे में क्या है, ये भी हमारा क्या करता है, ये भी जो है हमारा, यह भी आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है आपका, यह भी आरबीसीज के निर्माण में सहायक होता है हमारा। वहाँ पे आपने लिखा था विटामिन जो हमारा B9 था, हमारा फॉलिक एसिड, उसमें आप एक लाइन और लिख लीजिएगा, जो आरबीसी के निर्माण में तो सहायक था ही, लेकिन उसका मैचुरेशन भी आपका B9 कर रहा था, फॉलिक एसिड, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप वो लिख लीजिएगा कि निर्माण के साथ साथ क्या कर रहा है, आरबीसी का मैचुरेशन यानी कि उसे मैच्योर भी कर रहा है, तो वो आप B9 में लिख लीजिएगा, फॉलिक एसिड में। तो ये आपका आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, और आपको पता है अगर आपका आरबीसी निर्माण मतलब आरबीसी आपकी अच्छी रहेगी तो आपका जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आपका कैसा रहेगा, वो भी आप हेल्प करेगा, तंत्र का तंत्र में सहायक रहता है, सहायक होता है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा इससे जो हमारा इसमें कौन कौन से आपके सोर्स हैं हमारे, वो आपके सोर्स में बता दूं तो आपको पता है मेन जो है हमारा दूध है हमारा, अंडा है हमारा, ठीक है ना, मांस है हमारा, फिश है हमारी, मिल्क आपका, एग, फिश, लिवर, यीस्ट आपकी, मिल्क, एग, फिश, लिवर, ईस्ट आपकी, और आपका लिवर ऑयल जो है हमारा, लिवर ऑयल कर लीजिए यहाँ पर, लिवर ऑयल जो हमारी वो है हमारा, और पनीर भी लिख लीजिएगा इसमें, पनीर आपका, चीज़, ठीक है, ये सब आपकी इसमें सोर्स हैं आपके, ये आपका विटामिन B12 के सोर्स हैं। अब हम बात करेंगे इससे जो रोग है उससे आपको, माइक्रोसाइटिक आपकी जो एनीमिया थी वो थी हमारी, अब हम इसमें बात करेंगे जो हमारा रोग है वो, तो इसमें भी आपको पता है आरबीसी का निर्माण कर रही है, तो आपको जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका जो आरबीसी से रिलेटेड आपका जो एनीमिया है वो है हमारा, तो इसमें जो होता है हमारा वो होता है हमारा पर्सीनियस एनीमिया, पर्सीनियस एनीमिया, एनीमिया इसका हिंदी नाम भी यही है हमारा, पर्सीनियस एनीमिया। तो ये है हमारा इसका रोग जो है हमारा वो है हमारा पर्सीनियस एनीमिया, और जो हमारा B9 जो था हमारा उससे हमारा क्या था, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब हम बात करेंगे जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स जो थे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, जितने भी मैंने आपको बताए थे वो हम लोगों ने जान लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा हमारा कौन सा बचा हुआ है आपका, मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन बताए हैं, कितने बताए हैं हम लोग ने, दो पढ़े हैं आपका, एक था हमारा बी और एक है हमारा सी, तो यहाँ पे हम लोग सारों ने बी पढ़ लिया है। अब हम कौन सी बात करेंगे, जो हमारा सी है विटामिन वो, अब मैं इसे हटा दूंगी। अब हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन सी है, और आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा 10th में 12th में, याद रहे हो आपको शायद, विटामिन सी इसका जो नाम होता है वो क्या होता है हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपकी, अब हम इसको जान लेंगे कि ये क्या है आपका, तो ये हमारा विटामिन सी, आपको पता है विटामिन सी जो होता है हमारा जो मोस्टली जो हमारे आपके जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन सी किस में सहायक हुआ है, तो लेकिन मैं आपको बता दूँ यह जो विटामिन है आपका, यह विटामिन सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका। और मैं आपको बता दूं ये क्या करता है हमारा, ये हमारा जो दांत है, मसूड़े हैं आपके जो
जोड़ों में जो कोलेजन युक्त पदार्थ है उसमें सहायक होता है आपका। दांत हो गया, मसूड़े, मसूड़ों तथा जोड़ों, जोड़ों में जो जोड़ों में हमारा होता है वो कोलेजन जो आपका होता है जोड़ों आदि में, आदि सभी में कोलेजन जो आपकी, मैंने आपको बताया था जब हमने प्रोटीन पढ़ी है तो हमारी ये कोलेजन क्या है, हमारी एक प्रोटीन है, कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है, के फॉर्मेशन में सहायक होता है आपका, होता है। ये बात होगी आपकी विटामिन बी सी की। अब हम बात करेंगे और क्या करता है हमारा, ये जो हमारा पित्त होता है आपका, यानी कि गल ब्लैडर जो होता है हमारा, यह पित्ताशय में, यह पित्ताशय में आपका पित्ताशय में स्टोन को बनने से रोकता है, स्टोन के निर्माण को रोकता है आपका, को रोकता है। तो ये है आपकी, मैंने आपको विटामिन सी के बारे में। अब हम इसके सोर्स जानेंगे सबसे पहले तो, और फिर हम जो हमारे डिसीज़ है वो जानेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा सोर्स है आपका वो, आपके जो सोर्स हैं हमारे वो, सोर्स, सोर्स की बात करेंगे तो हमने पहले ही बताया है आपको, ये जितने भी आपके जो खट्टे रस होते हैं, यानी खट्टे जो फल होते हैं उनमें होता है, लेकिन विटामिन जो हमारा सी होता है उसका सबसे अच्छा सोर्स जो है हमारा वो आंवला भी होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा होता है हमारा आंवला हो गया हमारा, आंवला, और मैंने आपको बताया है रसीले फल आपके नींबू हो गया, संतरा हो गया आपका, नींबू, संतरा, ये कैसे होते हैं आपके, प्रचुर मात्रा आप विटामिन सी पाई जाती है आपकी, रसीले फल हो गए आपके नींबू, संतरा, अमरूद होता है आपका, टमाटर होता है, उसमें भी आपका क्या रहता है हमारा विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद, टमाटर आदि में पाया जाता है। तो ये तो होगी इसके सोर्स की बात। अब हम करेंगे जो हमारा रोग है हमारा वो कौन सा है, रोग, डिसीज, तो आपको पता है आपका जो रोग है इससे आपका वो कौन सा हो जाता है, जो हमारा स्कर्वी जो रोग है हमारा वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि आपका स्कर्वी, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें से खून आना लगता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, खून आने लगता है आपका। और आपको पता है आपके दांतों से जो आपकी नर्व होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो हमारी सीधा जो ब्रेन होती हैं उससे कनेक्टेड होती हैं, तो क्या है कंटिन्यू आपका खून आता रहता है, तो उससे क्या होता है हमें खून की कमी हो जाती है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारा कैसा हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, और जिससे क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा कैसा होता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, होने लगता है।
तो ये हमने बात कर ली जो हमारा आज जो हमने विटामिन पढ़ाए थे आपको, विटामिन हमारे हमने शुरू किए थे, विटामिन में आपको हमने दो प्रकार बताए थे आपका, एक था हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन और एक था हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट में आपको मैंने बताए थे ए डी ई और के, आपका से हमने शॉर्ट फॉर्म में दिया था, ट्रिक दिया था कीड़ा या उससे आप जैसे भी आपको सुटेबल लगे। फिर हमने पढ़ा था जो हमारा विटामिन, वो तो हमने पढ़ लिया था कल, अब हमने बात की थी आज हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन, जितने भी थे हमारे टोटल मिला के हमारे 13 विटामिन थे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है हमारी हेल्पफुल लगेगी और मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और इसे लाइक कीजिएगा। अब हम कल बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी कल वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे जो हमारा संतुलित आहार है, यानी कि हमारी जो बैलेंस डाइट है वो। तो तब तक आप ख्याल रखिए, गुड बाय।